दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम रील्स को ओपन किया तो यहाँ पर देखा कि कुछ लोग जो हैं इस तरह का फ़नी वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग इस तरह से गाड़ी में बैठ के और फनी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आश्चर्य हो गया कि आखिर ये फ़िल्टर इंस्टाग्राम पे कौन सा है, फ़िल्टर भी नहीं दिख रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये फ़िल्टर आखिर कौन सा है और इस फ़िल्टर को हम कैसे यूज करेंगे। तो मैंने फाइनली जो है दोस्तों वो फ़िल्टर ढूंढ लिया है और आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो तैयार कर दिया है। तो ये दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप भी इस तरह का फ़नी वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से ये फ़िल्टर कहाँ मिलेगा, कैसे सर्च करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे कि ये फ़िल्टर आपको कहाँ पर मिलेगा और आप कैसे इस फ़िल्टर को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मतलब इस फ़िल्टर को यूज करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन में जाना होगा। चलिए हम अब उस एप्लीकेशन में चले जाते हैं। तो आ चुके हैं दोस्तों हम उस एप्लीकेशन के अंदर में। इस एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, या वीडियो में कहीं भी हम बता सकते हैं, आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए। तो मैं वीडियो क्रिएट करूंगा, उसके बाद सेव करना है। सेव जैसे ही करेंगे तो वो आपके गैलरी में भी सेव होना चाहिए। तो वो मैं पहले आपको इस वीडियो में पहले ही बता देता हूँ कि आप वो सेटिंग कर लेंगे, तभी आपकी गैलरी में भी सेव हो पाएगा, उसके बाद आप इंस्टाग्राम रील्स पर आसानी से अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं लेफ्ट साइड सबसे ऊपर रेड कलर का आपका आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर लोगो जैसा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट साइड सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है। सिंपली सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेमोरीज का ऑप्शन। सिंपली मेमोरीज पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है सेव बटन। सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मेमोरीज एंड कैमरा रोल पर सेलेक्ट कर देंगे, ताकि ये आपके इस एप्लीकेशन में भी रह सके वीडियो, उसके बाद आपके गैलरी में भी सेव हो सके। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सेव कर दिया है। चलिए अब हम बैक कर लेते हैं। तो हमने बैक कर लिया है, अब हमारा यहाँ पर फेस आ चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपोज मतलब देख सकते हैं एक्सप्लोर का ऑप्शन है नीचे में यहाँ पर कोने पर, तो एक्सप्लोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च में जाएंगे और सर्च में जाने के बाद हम यहाँ पर टंग ट्विस्टर सर्च कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ टंग ट्विस्टर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले ही एक नंबर पे आ रहा है। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने में ये फनी वाला जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आंख भी घूम रहा है और मेरा जीभ भी घूम रहा है। मैं बोल रहा हूँ फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं मेरा किस तरह से टंग जो है जीभ यहाँ पर इस तरह से फनी वीडियो क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब ये जो बीच में है हम इस पर क्लिक करके रखेंगे और ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए मैं वो भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुका है, अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है, सिंपली हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा हमारे गैलरी में भी। चलिए मैं आपको गैलरी भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे गैलरी में भी ये वीडियो जो है सेव हो चुका है। अब हम इसको बड़ी आसानी से इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर ये वाला फनी जो है आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे आर्या एंड भाविया हिंदुस्तानी तो मेरा आईडी आ जाएगा और यहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ये वाला फनी सॉन्ग जो है फनी हंसने वाला ये यहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर अभी शो नहीं कर रहा है बट वो आ जाएगा कुछ सेकंड में, मैं फिर दोबारा भी डालूंगा। तो यहां पर इस जगह फनी वाला मिल जाएगा, तो आपको वो कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको उस वाला को सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह से ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूज ऑडियो का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं नीचे में। सिंपली आप यूज ऑडियो पर क्लिक करेंगे, यूज ऑडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो वीडियो आपने सेव करके रखा है गैलरी में, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये फनी सॉन्ग जो है म्यूजिक इसके साथ में लग जाएगा, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप जो है इस वीडियो को तैयार कर सकते हैं जो कि फनी वीडियो लगता है।
और फनी वीडियो इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आपका भी 100% वायरल हो सकता है। तो आप लोग भी इस तरह का फनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो जाइए फटाफट आप इस फिल्टर को सर्च कीजिए। तो वो फिल्टर कहाँ पर मिलेगा, आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन सर्च कर लेना है। जैसे स्नैपचैट सर्च करेंगे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर में आपको वो फिल्टर सर्च करके इस तरह का फनी वीडियो बना सकते हैं। तो जाइए और फटाफट स्नैपचैट एप्लीकेशन में इस तरह का वीडियो बनाइए। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।